क्या सच में कृष्ण जी की ये 13.5 लाख में 500 स्क्वायर फीट के अंदर में विथ प्रोडक्ट स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हुआ। बहुत अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है जो चाहिए हम लोग को। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत ही अच्छा रहा, शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों को वेलकम करता हूँ YMW सॉल्यूशन YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो है मैं झारखंड के रांची शहर आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जी फ्रेश मार्ट के बारे में। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही अपने चैनल पे जी फ्रेश मार्ट का फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बट आज जो है मैं प्रैक्टिकल जो है ग्राउंड पे आया हूँ और दिखाऊंगा कि जी फ्रेश का जो भी फ्रेंचाइजी लिए हैं और उन्होंने अपना सुपर मार्केट ओपन किया है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगा है और क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा जो है क्या क्या कंपनी सपोर्ट करती है, सारी चीज की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद का जो वीडियो है हमारे बिजनेस सहयोगी अनिल कुमार जो है कंटिन्यू करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे जी फ्रेश मार्ट के फ्रेंचाइजी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कुंदन शर्मा जी ने बताया कि उनके सहयोगी मित्र जो आगे के वीडियो की जानकारी देंगे, मैं हूं अनिल कुमार शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं YMW सॉल्यूशंस चैनल पे। दोस्तों, आज आपको मिलाने वाले हैं जी फ्रेश के परचेजिंग हेड मैनेजर से, आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। कैसे हैं आप? बस क्या नाम हुआ आपका सर? कृष्णकांत। कृष्णकांत जी नाम है इनका और ये कंपनी के परचेजिंग हेड मैनेजर है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। तो कृष्णा जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जी फ्रेश जो बिजनेस है, इस बिजनेस को कैसे ओपन कर सकते हैं? जी फ्रेश को बिजनेस ओपन करने के लिए क्या है कि आप पहले हमारे यूट्यूब्स हैं, गूगल्स हैं, आप इन पे जाके हमारी विजिट कर सकते हैं और हमारे साइट्स पे जाके विजिट करके देख सकते हैं कि हमारे कितने स्टोर्स ओपन है वहाँ पर, और आप इजीली देख सकते हैं कि हम वहाँ पे कितने सारी चीज़ें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और आपका ग्रोसरी का प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया, क्रॉकरीज हो गई, आपके डेली नीड्स का सारा सामान आपको इजीली मिल जाता है। और ये क्या है कि आपका सारा सामान जो आपको एक छत के नीचे मिल जाता है, जो नॉर्मली आपको हर जगह नहीं मिलता है, और आपको यहाँ पे क्या है कि आपको हर टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है जो प्रोडक्ट आपको नॉर्मली नहीं मिलता होगा मार्केट में। ये सारा चीज़ हम विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद आपको प्रॉपर एक अरेंज करवाते हैं, अरेंज करवाने के बाद फिर हम आपका सारी चीज़ों में डिस्काउंट देते हैं, जैसे आपको मार्केट से रेट से आपको कम रेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बताइए कि जैसे कोई कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो प्रोडक्ट आपके में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए फिर ये है कि हम अपने कस्टमर्स को यही देखते हैं कि मतलब उनको जो जो क्वेरीज है हम पहले वो कन्फर्म करते हैं, सुनते हैं उनसे और एक काम ना नोट डाउन कर लेते हैं कहीं कि हमें इस अगली बार वो अगर कस्टमर आता है हमारे पास तो वो उन्हें वो चीज़ प्रोडक्ट मिल जाए। और ये है कि मार्केट रेट से कम रेट में ही मिले, ऐसा नहीं है कि मार्केट रेट से आपको ज़्यादा रेट में मिल रहा हो, ठीक है सर? तो इस तरीके से आपको वो सारे क्वेरीज भी आपका सॉल्व हो जाता है। कृष्णा जी, आप बताइए कि जी फ्रेश मार्ट को ओपन करने के लिए मिनिमम कितने जगह की रिक्वायरमेंट होती है? सर, हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है और आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आता है वो 13 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम आपका प्रॉपर इंटीरियर वर्क हो गया, आपके टोटल प्रोडक्ट्स की परचेजिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर करवा के अरेंज करवा करके देते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कम से कम 8000 प्रोडक्ट्स हैं आपके मार्केट में, तो आपको नहीं कंफर्म होता है कि आपको क्या प्रोडक्ट लेना है और आपके मार्केट में क्या चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। वो हमारे मैनेजर जो होते हैं वो यहाँ पर रहकर विजिट करके आपके एक महीना आपके साथ रहते हैं और आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं और मार्केट रेट से कम रेट में करवाते हैं। कंपनी प्रॉपर सपोर्ट करती है जी? कंपनी आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है आपके इंटीरियर वर्क को लेकर, आपकी मार्केटिंग को, एडवर्टीजमेंट्स को लेकर, सारी चीज़ों में आपका प्रॉपर सपोर्ट रहता है। आपने मुझे बताया है कृष्णा जी कि
ग्रोसरी और क्रॉकरी आइटम में डील करते हैं, कुछ फुटवेयर आइटम्स में अभी डील हो रहे हैं, आने वाले टाइम में क्लॉथ में भी शायद डील करेंगे आप लोग, है ना। तो ये बताइए कि हमारे जो यहाँ पे यूजर आएंगे, यूजर को डिस्काउंट आप कितने देते हैं? सर डिस्काउंट सर हम 5% से लेकर 35% तक हम आपको डिस्काउंट देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे ही हम मार्केट रेट से कम रेट में रखते हैं। और आपके सारे प्रोडक्ट जैसे आपके तेल हो गया, नमकीन हो गई, आपके बिस्किट्स हो गए, चावल हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलती है। आपके नॉर्मली ग्रोसरी का आइटम होता है, ये आपके सारे होने चाहिए आपके स्टोर्स में। और इनमें आपका ज्यादातर क्या है कि आपको मार्जिन मिलना चाहिए, क्योंकि कस्टमर क्या करता है कि ये चीज आपके डेली बेसिस का नीड है, तो ये आपको सारी चीजें मिलनी ही चाहिए। इसके लिए हम आपका देखिए फुटवेयर है आपका, कॉस्मेटिक्स है, और नॉर्मली हमने आपके क्रॉकरी आइटम्स भी रखवाए हैं, तो हाउस होल्ड हो गया आपके, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आपने सुना, कृष्णा जी ने बताया मुझे कि 5% से लेकर 35% के बीच में आपको डिस्काउंट मिलेंगे प्रोडक्ट पे। डिस्काउंट वेरी करेगा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। आइए मैं कृष्णा जी से जानता हूँ कि क्रॉकरी आइटम में क्या है आपके पास? सर क्रॉकरी आइटम में सर अभी हमारे पास देखिए जैसे डिशेज होती हैं, क्रॉकरीज के आपके सेट्स होते हैं, आपके ग्लास आइटम्स होते हैं, आपके कप्स आइटम्स होते हैं, ये सारे आपके क्रॉकरी आइटम्स हैं, ये सारे भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्रॉकरीज आइटम कितने से स्टार्ट है? सर हमारे जो क्रॉकरी आइटम्स है वो 99 से स्टार्ट है और 149 तक है कुछ प्रोडक्ट्स। क्रॉकरीज आइटम 99 रुपीज से स्टार्ट है और 149 रुपीज में एंड है। दोस्तों आप ये जान ले कि इस मार्ट में आने के बाद आपको क्रॉकरीज ग्रोसरीज दोनों आइटम में आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। आइए हम लोग कस्टमर फीडबैक लेते हैं, जानते हैं कि जी फ्रेश में खरीदारी कर संतुष्ट है या नहीं है। ताकि देख सकते हैं एक महिला है जो कि शॉपिंग करके आ रही हैं और मैं इनसे फीडबैक लेता हूं कि इनको शॉपिंग करने का अनुभव कैसा रहा। आप बताएंगे कि मतलब आपको शॉपिंग करने का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, मतलब यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है जो चाहिए हम लोग को। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत ही अच्छा रहा। शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें एक रूफ के अंदर मिल जाना बहुत आराम की बात है। और आप देखिए ना इतनी सारी शॉपिंग की, प्राइस भी रीजनेबल है, सारी चीज 99 से एक एक घर के हाउस होल्ड के सामान मिल रहे हैं, विच इज वेरी चीप। और सारा जो आइटम एक एक अवेलेबल है, चाहे आपका रोज का ग्रोसरी किराना का हो या आपका परफ्यूम से लेके शैम्पू से लेके सब कुछ कवर कर रहा है, बहुत अच्छा है। हम तो बोलेंगे सभी को आना चाहिए और आके बेशक महीने की शॉपिंग करनी चाहिए। सब जगह से रेट यहाँ कम है और यही ग्राहक पूछता है जो हम आए हैं वहाँ से लेने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं कि सर ने दो बकेट भर भर कर शॉपिंग किया है सर ने, और काफी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं सर। सर का कहना है कि बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। जो जी फ्रेश मार्ट ओपन हुआ है इसका एड्रेस है चर्च रोड रांची। कृष्णा जी, ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो आप लोग दे रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या पैन इंडिया दे रहे हैं या फिर बिहार झारखंड? नहीं नहीं सर, हमारा पूरा पैन इंडिया में रहता है। नॉर्मली हम सारे पैन इंडिया में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम पहले किसी भी एरिया में स्टोर ओपन करने से पहले हम स्टोर में विजिट करते हैं कि उसका एरिया कैसा है, उसकी लोकेलिटी कैसी है, क्योंकि जो आपकी सेल आती है वो सारी आपकी लोकेलिटी पर ही डिपेंड करती है। तो लोकेलिटी पर विजिट करने के बाद हमारा ये कन्फर्म रहता है कि आपके एरिया में कैसी चीज़ें हैं, आपका यहाँ पे कितनी लोकेलिटी है, क्या आपका यहाँ पर इनकम सोर्स है नॉर्मली लोगों का, उसी अकॉर्डिंगली हम आपका पूरा प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो पैन इंडिया में आपके कितने आउटलेट्स हैं अभी? सर अभी हमारे पैन इंडिया में टोटल 56 आउटलेट्स हैं और अभी आप 7 or 8 आउटलेट्स हमारे जो रनिंग में हैं, एक्टिव हैं। जी एक्टिव हैं, वो आने वाले हैं। तो ये बताइए कि यदि हमारे बिहार झारखंड या इवन पूरे पैन इंडिया से कोई कस्टमर्स चाहते हैं कि अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं जी फ्रेश के साथ जुड़कर, तो हमको ये बताइए कि जी फ्रेश फ्रेंचाइजी को कैसे ले सकते हैं? सर हमारे यूट्यूब पे, गूगल्स पे और आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारी वेबसाइट क्रिएट है, आप वहाँ से हमें इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका देखिए जो कॉन्टैक्ट करने का है आप कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर आपके एरिया के अकॉर्डिंगली आपका जो है वो बजट रेडी किया जाता है। जैसे हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 500 स्क्वायर फीट से हमारा स्टार्टिंग होता है। 500 स्क्वायर फीट की जो आपकी मिनिमम आपका जो बजट है वो आपका 13 लाख का बजट है, और उसमें हमारी जो फ्रेंचाइजी फीस होती है सर वो होती है 2,10,000 प्लस 18% GST। इसमें हम आपको प्रॉपर आपका इंटीरियर वर्क, आपको मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, आपको सारी चीजें ये करवा कर हम प्रोवाइड करते हैं। कि आपने जाना कि कृष्णा जी ने बताया कि फ्रेंचाइजी फीस, जैसा कि कृष्णा जी ने बताया कि 2,10,000 रुपए प्लस 18% GST फ्रेंचाइजी फी लगेगा, और इसके बाद आप 500 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया को लेकर अपना जी फ्रेश मार्केट को ओपन कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोर का एरिया है वो कैसा है,
उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो है वो बजट रेडी किया जाता है। क्या सच में कृष्णा जी की ये 13.5 लाख में 500 स्क्वायर फीट के अंदर में विथ प्रोडक्ट स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हुआ। आप चाहें तो हमारे किसी भी नियर बाय स्टोर में जाके पता कर सकते हैं, जैसे हमारा पंजाब है, बिहार में भी हमारे स्टोर ओपन है, झारखंड में भी हमारा ये दूसरा आउटलेट है झारखंड में आपका, तो आप किसी भी नियर बाय स्टोर पर जाके विजिट कर सकते हैं और उनसे कंफर्म कर सकते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट रहता है आपको इन सब चीजों में। बिहार झारखंड में 7 से 8 एक्टिव स्टोर है, वहां पर जाकर आप फिजिकल तौर पे मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या 13.5 लाख रुपए में स्टार्ट हो सकता है या नहीं। ये सच्चाई कृष्णा जी के थ्रू मुझे पता चली है और आप ये फिजिकल तौर पर आप उस जगह पर जाकर पता कर सकते हैं। कृष्णा जी, एक चीज बहुत हमारे कस्टमर लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करती है आज के मार्केट में कि फ्रॉड बहुत होते हैं। जी सर, आपसे संपर्क किए मार्ट ओपन करने के लिए, उन्होंने फ्रेंचाइजी फी जमा किया और उनके साथ में चीट हो जाता है। जी जी। तो ये हमको ये जानना है कि हम कैसे विश्वास करें कि आप लोग एकदम प्रॉपर सही है। ठीक है सर, आप चाहें तो अगर हमारे मतलब आपको फ्रॉड लगता है तो आप आइए पहले हमारे स्टोर में विजिट कीजिए, हमारे मैनेजर से मिलिए, हमारे पूरे स्टाफ से मिलिए, टीम से मिलिए। तो कृष्णा जी, जी बताइए कि आपका ऑफिस कहाँ पे है? सर, हमारा जो ऑफिस है वो नोएडा यूपी सेक्टर 6 में है, तो वहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। वहाँ आप हमारे ओनर से मिल सकते हैं, हमारे परचेजिंग हेड मैनेजर से मिल सकते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी हेड से मिल सकते हैं। आप सबसे मिलके आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि ये स्टोर आपका जो है जी फ्रेश मार्ट है वो फेक नहीं है, तो आप इजीली फिर आगे हमसे हमारे साथ जुड़ के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। कृष्णा जी ने बताया कि यहाँ पर कोई भी फेक काम नहीं होता और ना ही किसी कस्टमर के साथ चीट होता है। इन्होंने ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस दिया है, फिजिकल तौर पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। कृष्णा जी ने बताया कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उनको जो जहां पे मामला अटकता है वो मामला है प्रॉफिट की। दोस्तों, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कृष्णा जी ने बताया है कि 32-35% ग्रॉस प्रॉफिट का मामला है। तो अच्छा है कृष्णा जी, आपसे मिलके तो बहुत अच्छे लगे जी सर, और जानकारी, और हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स खुले आपके बिहार झारखंड इवन पैन इंडिया में। बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज मिलाते हैं फ्रेंचाइजी ओनर से और उनसे जानते हैं कि फ्रेंचाइजी ओपन करने का अनुभव उनका कैसा रहा है। तो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ, और बहुत दिनों से हम लोगों ने इस पे एक सोच रखा था। कोरोना के चलते हम लोग इस पे डिस्टर्ब हो गए थे, नहीं बढ़ रहे थे, और हमारी ये सोच थी कि एक ही छतरी के नीचे सारी सुविधा हमको उपलब्ध करानी है, और ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक की सेवा प्रथम हमारी सोच थी। तो सर, आपको ये फ्रेंचाइजी ओपन करने का पता आपको कहाँ से चला? खुद बखुद बैठे बैठे दिमाग में आया कि कुछ करना चाहिए लोगों को, जो जनमानस से जुड़ा हुआ सुविधा, जन सामान से जुड़ा सुविधा है। तो सर, ये जी प्रेस के बारे में आपको कैसे पता चला और कहाँ से पता चला सर? जी प्रेस के बारे में चूंकि सुना था, हमारे मित्र हैं कई जगह, तो उनके बारे में इसका फीडबैक मिला था हमें, तो हमें इससे बहुत तेजी से प्रभावित किया। तो सर, जी फ्रेश के आपने कांटेक्ट कैसे किया? आप फ्रेंड के द्वारा कांटेक्ट किया है या फिर आपने कुछ? नहीं, खुद से, हम लोग खुद से किया और बात करने के बाद ऐसा लगा कि इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है, और हम लोग ये संतुष्ट कर पाएंगे इनके माध्यम से, ग्राहक को हम भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो सर, आपने फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने जाना है कि ये कंपनी नोएडा बेस्ड कंपनी है, क्या सर आपने नोएडा जाकर प्रॉपर विजिट करके आपने इस कंपनी से जुड़ा? हमारे जो कुछ पार्टनर है उन्होंने नोएडा का विजिट किया था और सारे फीडबैक हमें दिया था इन लोगों ने, सर फीडबैक दिया हमको, पूरी तरह से हमें संतुष्ट किया इन लोगों ने। तो सर, कंपनी आपके साथ अभी भी सपोर्ट में है? बहुत सपोर्ट में, कंपनी सपोर्ट में, पूरी सपोर्ट में। तो जैसा कि आपने जाना कि कंपनी अभी भी फुल सपोर्ट में सर का साथ दे रही है इस बिजनेस को ओपन करने के लिए, जिसमें जिनका नाम है जी फ्रेश। दोस्तों, सुपरमार्ट एक आपके चर्च रोड रांची में जी मार्ट, जो कि आपको पूरा का पूरा फुल सपोर्ट देती है बिजनेस ओपन करने के टाइम और बिजनेस ओपन करने के बाद भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मतलब आपने यहाँ के लोगों के बारे में इतना सोचा और आपको एक बिजनेस ओपन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसमें बहुत बड़ा श्रेय जी फ्रेश का जाता है। सर, आपका भी है कि आपने सोचा है कि इस इलाके में ओपन करना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा विश्वास है जी फ्रेश हमारे देश से जुटा रहेगा और उनके माध्यम से सारे लोगों के क्षेत्र के सारे सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस बिजनेस को ओपन करने के बारे में जहां तक हो सके सारी से सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, कहीं छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताएं कि कहां हमसे कुछ कमी रह गई। आशा करेंगे कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और नए बिजनेस आइडिया के साथ मिलेंगे फिर दोबारा।